है जो ये हमारे पापा चलाया करते थे, और ये सा हम नम लोग हो गई क्योंकि यहाँ कम आती थी और उनको इनको सारा यादगार। हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सुरक्षा ब्लॉग्स में। गाइज, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। तो गाइज, ये है हमारा नया रूम जो कि आप अभी देख रहे हैं, ये हमारा नया रूम है। और गाइज, मैं हम लोग पहले पुराना घर में रहते थे, तो दिखाते हैं आज आपको पुराना घर का नजारा और दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या यादगार चीज है और क्या क्या यादगार चीज में हम लोग अपना जीवन जो व्यतीत किए हैं छोटे से लेकर बड़े तक, उस चीज को दिखाते हैं। और हाँ गाइज, ये बहुत ही स्पेशल है आप सबों के लिए, एक नए मेहमान है, तो गाइज उनसे मिलाने चल रहा हूँ और वहीं पे आप सबों को बताऊंगा। बहुत ही सरप्राइज है, देखते रहिएगा पूरा वीडियो और चलते हैं उस घर की ओर। गाइज, ये है आरव, और अभी जो है स्कूल से आया हुआ है, खाना उना खाया है और फिर जो है फिर भी फल लेके निकल गया है, फल खा रहे हैं बाहर में बैठ के। कैसा लग रहा है फल? अच्छा, अच्छा पूरा खा जाओगे क्या? हाँ। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं पुराना घर, चलना है क्या? हाँ, तो फिर चलो। तो गाइस पहुंच चुके हैं, ये है हमारा पुराना घर जो पीछे आप देख रहे हैं, इसका दरवाजा है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का नजारा। तो गाइस हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं, ये हमारा पुराना घर है। देखिए सबसे पहले ये हम पुराना दिखा रहे हैं, ये हम लोग रहते थे, ये घर बिल्कुल ही पुराना है, यहाँ हम लोग रहते थे। देखिए अभी यहाँ गोबर उबर का उबला वगैरह बनता है, ये हम लोग का पुराना घर है। देखिए ये हमारा पुराना घर है, यहाँ हम लोग रहते थे जो अभी टूटा हुआ है, ये घर हमारा पुराना है, सबसे पुराना यही एक घर है अभी बचा हुआ है। बाद बाकी दिखाते हैं इधर का नज़ारा। देखिए ये खटिया, जो कि खटिया का मज़ा अभी भी लिया जाता है गांव घर में और इसका आनंद बहुत ही मज़ेदार है। देखिए ये खटिया है और ये गाइस देखिए, ये पुराना हम लोग का जो है तुलसी पीड़ा, जो तुलसी पीड़ा है इसके अंदर में कितना खूबसूरत, देखिए ये तुलसी माता का वृक्ष लगा हुआ है, तुलसी पौधा जो है, तुलसी पौधा का वृक्ष लगा हुआ है। और ये पीतल का लोटा, पुराना घर है। ये देखिए आरव, कहाँ जा रहे हो? अरे कंप्यूटर चलाने। हाँ। रुको रुको, यहाँ है आप देख रहे हैं स्प्लेंडर प्लस, ये पहला गाड़ी था हम लोग का, ये अभी खराब होके पड़ा हुआ है, ये पहला गाड़ी था। ये है बहुत ही पुराना स्कूटर, ठीक है, जो ये हमारे पापा चलाया करते थे, और ये हम लोग का बहुत ही पुराना यादगार चीज है जिसके चलते अभी तक इसको बेचा नहीं गया है। तो ये देख रहे हैं इसको रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम खटिया में सोए हुए हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये है खटिया, ये खाटी का मजा, ये खटिया है, खटिया का मजा लेते हुए, क्योंकि गांव घर की जो यादें हैं ना, ये खटिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि खटिया में सोने से आपको अभी भी रजाई गद्दा सारा चीज फेल हो जाएगा। ये जो है ये डिश एंटीना जो पहले का जमाना में पकड़ाया करता था DTH, वही DTH का अभी भी लगा हुआ है, केबल भी लगा हुआ है। ये रूम में TV वगैरह रहता था, TV रूम था ये, ठीक है। और इसके बाद इस रूम में हम लोग स्टडी वगैरह करते थे, पढ़ाई वगैरह। आप सबको मैंने अपना पूरा घर दिखा दिया और ये था मेरा पुराना घर, और आप सबों ने देखा कि मेरा घर जो कि कैसा कैसा था और अभी हम कहाँ रहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो एक छोटा सा रूम है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। सैटरडे संडे को हम लोग यहाँ आया करते हैं, जैसे आज हम लोग आए हैं और मेरे साथ अब आप सबों को मिलाने जा रहे हैं, मेरे साथ मेरी प्यारी धर्मपत्नी भी आई हुई है, उनसे भी आप सबों को मिलाते हैं। और गाइज इनको भी बहुत दिनों से मन था कि हम भी ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग में आएंगे, और रियली मायने में मैं वक्त कम दे पाता हूँ, तो अब सोचता हूँ कि ये ब्लॉगिंग हमारे साथ करेगी। और अभी तो गाइज मिलाते हैं, देखिए ये है हमारी धर्मपत्नी आशा। नमस्ते। तो गाइज आज से जो है ये भी हमारे साथ ब्लॉगिंग करेगी, हम अकेले करते थे तो इनको लगता था कि क्या है, और इनको भी बहुत ज्यादा अब शौक हो चुका है, मतलब ये भी चाहती है कि हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो बताइए कुछ, क्या बताया, अच्छा लग रहा है आपके साथ। ये मेरा पुराना घर देखने के बाद इनकी आंखें थोड़ा सा नम हो गई क्योंकि यहाँ कम आती थी, और उनको इनको सारा यादगार चीज बताएं कि देखो ये चीज ये चीज ये चीज ऐसे ऐसे, तो इनको लगा कि नहीं रियली में जो है एक गाँव घर के बच्चे कितना स्ट्रगल करके जो है अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं।
खैर ये है नहीं, ये थोड़ी बाहर की है शहर की लड़की को होगी, लड़की को हो गया है, गांव के लड़के से शादी तो थोड़ा सा तो लगेगा ये। खैर कुछ बताइए, इनकी नाम जो है आशा है। तो गाइज आज से जो है हम अपना ब्लॉग जो है इनके नाम से भी एक खुलने वाले हैं, तो एक आशा सौरभ ब्लॉग होगा। जैसे तो सौरभ झा ब्लॉग्स तो ये है, ये है, तो ये अपना नाम से एक ब्लॉग चैनल खोलने जा रही है। तो मिलते हैं गाइज एक नए ब्लॉग के साथ आप, और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना देखभाल कीजिए, खाना वाना अच्छा से खाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।